आज की कहानी है सत्य की खोज। एक बार महात्मा बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया। वह महात्मा बुद्ध से बोला कि प्रभु, मुझे आपके सानिध्य में 3 साल हो गए हैं। मैं रोज आपके बताए हुए मार्ग के अनुसार ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। वही मेरे मित्र कहते हैं उन्हें ध्यान करने से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है। अगर ये सही है तो मुझे क्यों नहीं? मुझे माफ करें प्रभु, लेकिन अब मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे हैं कि ध्यान से कुछ मिलता भी है या नहीं। आपने कहा था अपनी बुद्धि और ध्यान से खोजो। आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने इतने वर्षों तक ध्यान किया और इतने वर्षों तक ध्यान करने के बाद भी मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि ध्यान से कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें ध्यान करने से कुछ प्राप्त हुआ है, वे झूठ ही बोलते हैं। प्रभु, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सत्य से अवगत कराएं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इस बात का उत्तर मैं कल सुबह ध्यान सभा में दूंगा। अगले दिन सुबह महात्मा बुद्ध सभी को ध्यान सभा में इकट्ठा कर उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, बस तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना और इस कहानी में छुपे भाव को समझने की कोशिश करना। एक गुरु ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह एक पहाड़ पर अकेले रहते थे और वहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन उनका कोई शिष्य नहीं था। बहुत ज्ञान होने के कारण उन्होंने एक ऐसा सोने का पहाड़ ढूंढ लिया था जिसका शीश हीरे का था। धीरे धीरे उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उन्हें गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन वह किसी को शिष्य नहीं बनाते थे और अपनी भक्ति में ही लीन रहते थे। एक दिन 3 दोस्त उनके पास शिष्य बनने के लिए आए। उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव से गुरुजी से विद्या देने के लिए प्रार्थना की, जिसे गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने उन्हें अपने साथ ही रख लिया। कुछ दिन बाद तीनों ने अपनी उत्सुकता के कारण गुरुजी से सोने के पहाड़ के बारे में पूछा। गुरुजी ने कुछ सोचा और फिर बोले, मैं तुम तीनों को इसका जवाब बारी बारी दूंगा। तुम लोगों को वहां जाने का रास्ता भी बताऊंगा ताकि तुम उस पर जा सको। गुरुजी ने पहले शिष्य को बुलाया और सामने एक रास्ते की तरफ इशारा करके बोले कि तुम यहां से सीधे चले जाना। रास्ते में कहीं पर मुड़ना नहीं है और ना ही यात्रा को रोकना है। अंत में तुम उस पहाड़ पर पहुंच जाओगे। उस शिष्य ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आगे जंगल शुरू हो गया और वह जैसे तैसे जंगल पार करता जा रहा था। उसके पांव में कांटे चुभ गए। कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी उसे काटा। जंगली जानवरों से भी उसका सामना हुआ। रास्ते में उसे भूख लगी। उसने जंगल में कुछ खाने का इंतजाम किया और खाना खाकर फिर से आगे बढ़ा। जंगल पार करने के बाद वह काफी बड़े मरुस्थल में पहुंच गया। अब वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसके पास पानी नहीं था, लेकिन वह चलता रहा। चलते चलते अंत में वह बहुत थक गया। अब उससे प्यास भी सहन नहीं हो रही थी। अब उसके मन में बार बार यह सवाल आने लगा था कि कहीं गुरुजी ने उसे कोई गलत मार्ग तो नहीं बता दिया। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और गला सूखने के कारण वह वहीं मरुस्थल में गिर गया। अचानक वहां बारिश की बूंदें गिरने लगी। वह उठा और बारिश के पानी से अपना बर्तन भरने लगा। उसने अपनी प्यास बुझाई और वह फिर आगे बढ़ने लगा। किसी तरह मरुस्थल पार करने के बाद अब वह एक नदी के किनारे पहुंच गया था। नदी पार करने के लिए उसने एक नाव बनाई और नदी पार करने लगा।
तभी नदी में एक बवंडर आ गया और उसकी नाव नदी में पलट गई। वह शिष्य पानी में डूबने लगा और डूबते हुए सोचने लगा कि गुरु जी ने ये कैसा मार्ग बताया है जहाँ मैं बार बार मौत के करीब आ जा रहा हूँ। अब उसे विश्वास हो गया था कि अब मैं पक्का जीवित नहीं रहूँगा। तभी वहाँ कुछ लोग आए और उन्होंने उस शिष्य को बचा लिया। वे पास के गांव में रहने वाले मछुआरे थे। उन्होंने शिष्य को अपने घर में ले जाकर खाना खिलाया और कुछ खाना उसे आगे रास्ते के लिए भी दे दिया। शिष्य ने जैसे ही यात्रा शुरू की तो उसने देखा आगे एक बहुत बड़ी खाई थी। सामने खाई देखकर वह परेशान हो गया और जोर से चिल्लाकर बोला, गुरुजी आपने मुझे गलत रास्ता बताया है। जहाँ तो आगे कोई रास्ता ही नहीं है, ना ही जहाँ कोई हीरे के शीश वाला सोने का पहाड़ है। मेरे जहाँ तक आने के सब प्रयास व्यर्थ हो गए। ये सोचकर उसने आगे जाने का विचार छोड़ दिया और वह वापस गुरुजी के पास आ गया। उसने गुरुजी से कहा कि आपने मुझे गलत मार्ग बता दिया था, वहाँ तो कोई हीरे के शीश वाला पहाड़ नहीं था, रास्ते में बस एक जंगल, मरुस्थल, नदी और एक खाई के अलावा कुछ नहीं था। गुरुजी ने कहा, अब तुम ये बताओ कि तुमने इस सब से क्या सीखा। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं कुछ सीखने नहीं गया था, मैं तो सोने के पहाड़ को खोजने गया था जो मुझे मिला ही नहीं। रास्ता बेहद कठिन और लंबा था, उस रास्ते से मैं क्या सीखता। सोने के पहाड़ को पाने की चाह में मैंने सब पार किया, इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तब गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारे दूसरे दोस्तों को भेजता हूँ। यह सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुजी उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को आशीर्वाद देकर उसी रास्ते पर जाने का आदेश दिया। दूसरा शिष्य भी उस मार्ग पर निकल गया। कुछ दिन घूमने के बाद वह वापस आ गया। तब गुरु ने दूसरे शिष्य से पूछा कि क्या तुम्हें वह पहाड़ दिखाई दिया। शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई पहाड़ दिखाई नहीं दिया, वहाँ तो बस एक खाई थी। तब मुझे लगा कि शायद मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, इसलिए मैं आपसे रास्ता पूछने वापस आ गया। गुरु जी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम ये बताओ कि तुमने इस सब से क्या सीखा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने अपनी यात्रा एक जंगल से शुरू की। जंगल पार करते समय मैंने वहाँ ये देखा कि कैसे सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और वे एक दूसरे का खाना भी हैं। जंगल पार करने के बाद मैं एक मरुस्थल में पहुंच गया। वहां मैं पूरे रास्ते में पानी के लिए व्याकुल रहा। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब आ गया हूँ। इससे मैंने समझा कि जीवन का मूल्य क्या होता है, एक एक सांस की कीमत क्या होती है। तब मैंने आकाश से बारिश के रूप में अमृत को बरसते हुए महसूस किया और उस पानी को पीकर मुझे वापस जीवन मिला। वह पानी बहुत मीठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी के आगे कोई भी चीज अमृत नहीं है। मरुस्थल पार करने के बाद मैं एक नदी के पास पहुंच गया। वहां का नज़ारा बहुत सुंदर था, उसका पानी बहुत साफ था। वहां पर मैंने बांस के पेड़ काटकर एक नाव बनाई जिसके द्वारा मैं उस नदी को पार कर रहा था। तभी वहां नदी में बवंडर आ गया और मैं डूबने लगा। मुझे कुछ मछुआरों ने बचाया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुसीबत के समय हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन हम कभी किसी की मदद नहीं करते। उसके बाद उन मछुआरों ने अपने घर में ले जाकर मुझे भोजन कराया। वहाँ मैंने देखा कि कैसे लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, अच्छे जीवन के लिए तरस रहे हैं। कोई पत्नी अपने पति के वियोग में रो रही है,
कोई बीमार है और उसे अच्छा इलाज नहीं मिल रहा है। मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान था जिसके कारण मैंने वहाँ एक बीमार बच्चे का इलाज किया। उसे ठीक किया तब मुझे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने पर कितना आनंद मिलता है। उन मछुआरों के पास खुद के लिए खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे भोजन कराया, रास्ते के लिए भी भोजन दिया, जिसे लेकर मैं आगे की यात्रा पर निकल गया। उसके बाद आगे मैं एक खाई के पास पहुंच गया। वहां मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहां एकदम शांति थी, किसी भी तरह की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, बस मैं अपनी सांसों को सुन रहा था। उस समय मुझे लगा कि मैं आपके बताए रास्ते से भटक गया हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी सोने का पहाड़ नहीं था। वहाँ से मैं दोबारा से सही मार्ग पूछने के लिए आपके पास वापस आया हूँ। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या मैं गलत मार्ग पर था? गुरु ने कहा, नहीं, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर हो और जल्द ही तुम्हें वह पहाड़ मिल जाएगा। तब गुरु ने अपने तीसरे शिष्य से पूछा कि क्या तुम भी पहाड़ खोजना चाहते हो? इस पर तीसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे उस रास्ते पर पहाड़ मिलेगा या नहीं मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मेरे शिष्य भाइयों ने जो वहाँ के बारे में बताया है मैं भी उसे जानना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ। तीसरा शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल गया। कुछ दिन बाद वह शिष्य वापस आया। गुरु उसे देखकर समझ गए थे कि उसे वह पहाड़ मिल गया है। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी, वह काफी शांत था। शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव आपने मुझे जो मार्ग दिखाया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे वह सोने का पहाड़ मिल गया है जिसका शीश हीरे का है। ये सुनकर बाकी दोनों शिष्य बोले, क्या तुम्हें वह खाई मिली थी? तीसरे शिष्य ने कहा, हाँ मुझे मिली थी, मैंने भी वैसा ही अनुभव किया जैसा तुमने किया था। आखिर में मुझे वह खाई मिली जहाँ अपार शांति थी। इतनी शांति मुझे आज तक कहीं नहीं मिली थी। मुझे पता था मैं सही रास्ते पर हूँ, पहाड़ यहीं पर है। उसे ढूंढने के लिए मैंने खाई में कदम बढ़ा दिया। उस समय मेरे मन में भी बहुत सी आशंकाएं थी, लेकिन मैंने दो बार मृत्यु को करीब से देख लिया था, इसलिए अब मुझे मृत्यु का डर नहीं था। मुझे बस वह पहाड़ ढूंढना था। मैंने अपना कदम खाई की तरफ बढ़ा दिया। जब मैं आगे बढ़ा तब मैंने देखा कि मैं खाई में गिरने की बजाय हवा में उड़ रहा हूँ। इस तरह मैं उस खाई पर आगे बढ़ता चला गया और मैंने वह खाई पार कर ली। खाई पार करने के बाद जब मैं आगे पहुंचा तो वहां काफी अंधेरा था, बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। अंधेरा पार करने के बाद मैंने देखा कि आगे बहुत तेज रोशनी है। वह रोशनी भी इतनी थी कि मुझे उसमें भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भी मैं आगे सीधा बढ़ता गया। उस समय मैं भी बेहद डर गया था और कांप रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। अंत में मुझे वह सोने का पहाड़ मिला जिसका शीश हीरे का था। उसके ऊपर जाने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। बेहद खुशी के कारण मन आनंदित हो उठा। कहानी पूरी होने के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे पूछा कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तो महात्मा बुद्ध के शिष्य सार्विक पुत्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे प्रभु, उन तीनों शिष्यों के गुरु ने जो रास्ता उन्हें दिखाया था वह रास्ता उनके अंतर्मन का था। पहले शिष्य की लगन और निष्ठा सही थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसका पूरा ध्यान बस उस पहाड़ पर था। रास्ते में ज्ञान ही ज्ञान था, लेकिन उसने मार्ग में आए किसी भी चीज से कुछ भी ज्ञान नहीं लिया। उसे पहाड़ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, इसलिए वह वापस आकर गुरु से बोला, उसे कुछ नहीं मिला।
दूसरे शिष्य ने सब देखा और समझा कि प्रकृति कैसे काम करती है, जीवन कैसे जिया जाता है, मौत के समय कैसा लगता है। उसने मौत और सांसों के मूल्यों को समझा। उसने अमृत को पहचाना कि पानी ही अमृत है। वह आखिर तक गया और उस शोर पर से वापस आ गया जहां उसे उसकी मंजिल मिलनी थी, लेकिन वह उस खाई को देखकर घबरा गया। उसे वहां की शांति तो पसंद आई, लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि वही उसका रास्ता है। वह उसे गलत मार्ग समझकर गुरु के पास सही मार्ग जानने के लिए लौट आया, लेकिन इस यात्रा से उसने बहुत कुछ पाया। इसलिए उसने गुरुदेव से ये नहीं कहा कि उसे कुछ नहीं मिला। तीसरे शिष्य के मन में उस पहाड़ को पाने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। वह तो बस उस मार्ग को जानना चाहता था, उसे देखना चाहता था जो उसके साथियों ने अनुभव किया था। उसने वह हर चीज अनुभव की, फर्क बस इतना था जिस खाई में अपनी सांसों को सुना था और मन की गहराइयों में चला गया था, जहां एकदम अनंत सन्नाटा था, वह उन सबको महसूस करते हुए अंधकार में आगे बढ़ा था। एक समय के बाद उसे रोशनी ही रोशनी मिली और फिर वह पहाड़ जिसकी उसे तलाश थी। वह पहाड़ कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शरीर था, जिसमें सोना उसका शरीर था और हीरे का शीश उसका मस्तिष्क था, जिसमें उसे दिव्य ज्ञान का अनुभव हो रहा था, शांति और सुकून मिल रहा था। जिस शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा था कि ध्यान करने के बावजूद उसने 3 साल में कोई भी चीज प्राप्त नहीं की, वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर बोला, गुरुजी मुझे माफ करें, इसमें मैं आपका पहला शिष्य बन गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूसरा शिष्य बनकर दिखाऊं। अब मेरे मन में कोई भी दुविधा या सवाल नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।